से लेके एजुकेशन तक इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, पर उन्हीं अच्छी कंपनियों की लिस्ट में यदि कल को किसी कंपनी का नई कंपनी का नाम आने वाला है तो वो एस्टोनिया ओपन होने वाला है। इसके लिए हम पूरी मेहनत सच्चाई के साथ काम करेंगे एज ए मैनेजमेंट और एज ए फैमिली। कितने लोग इस मिशन में साथ खड़े हैं? पक्का? एक बार दोनों हाथों से। सो आज कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, आज बस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेंगे। यहां से हम फैक्ट्री चलेंगे, फैक्ट्री की विजिट करेंगे और इस कंपनी की जड़ें मजबूत हो जाए एक पौधारोपण करेंगे आज, यानी कि इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन डे पे एक पौधा सब लोग उसमें हल्की हल्की जितनी भी मिट्टी आप लगा पाए, जैसे आहुति देते हैं ना हवन में, ऐसे हम सब उस पौधे को लगाएंगे आज फाउंडेशन डे पे। पर यहां पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे डायरेक्टर कंपनी में, जो कि पब्लिक रिलेशन से लेके फाइनेंस तक की जिम्मेवारी को और बहुत सारी जिम्मेवारी को निभाने वाले हैं आपके साथ, मिस्टर प्रदीप दलाल जी को प्लीज कम कर। हमारे तीसरे डायरेक्टर जो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन चीजों की जिम्मेवारी उठाए हुए हैं, उनका पहले ही किसी कजन की शादी पहले से प्लान थी जो हमारे इस दिन पे क्रॉस कर रही थी, तो वो यहां से कहीं यानी कि 2-3 हजार किलोमीटर दूर है। वो उन्होंने मैसेज अभी रिकॉर्ड करके भेजा है, एक बार उनका भी मैसेज ले लेते हैं। विवेक जी प्ले करेंगे, मिस्टर आशीष गुलाटी जी, ये हमारे प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। आवाज नहीं से आप सुना दीजिए, रिपीट कर लेंगे, माइक माइक टच कर लीजिए स्टार्टिंग से। आपके सामने बट आई एम मिसिंग यू ऑल। मैं बिल्कुल वहां नमस्ते, वेलकम ऑल। एस्टोनिया वन एक परिवार है जिसमें आप सबका स्वागत है। मैं आज वहाँ आपके सामने मौजूद नहीं हूँ बट आई एम मिसिंग यू ऑल। मैं बिल्कुल वहाँ होना चाहता था बट मेरे कुछ फैमिली फंक्शन की वजह से आज मैं वहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मैं प्री लॉन्च डे पे जो कि अगले महीने है, एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, मैं आप सबके बीच में रहूँगा and I will be part of the Estonian team along with you guys. Again, I welcome you all heartily to Estonia family. आज आप सबने प्लांट की झलक देखी होगी, प्रोडक्शन कैसे होती है। दिस इज आर बेंच मार्क यूनिट अभी, बट आने वाले समय में देर आर फर्दर प्लानिंग्स, देर आर फर्दर डेवलपमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट लाइन। मैंने और डॉक्टर विक्रांत ने डर्मा आर्ट हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की रिसर्च को ग्लोबल लेवल पे स्टडी करके, ग्लोबल इंग्रेडिएंट सोर्स करके आपके सामने एक वंडरफुल रेंज लेके आ रहे हैं, एंड
मुझे बहुत भरोसा है कि ये जो रेंज है ये इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। उसकी प्रोडक्ट लाइन, उसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल, उसकी पैकेजिंग और उसके इंग्रेडिएंट्स, दे विल बी वर्ल्ड क्लास। एंड इंडिया में आप पहली बार वो कॉम्बिनेशंस बहुत से प्रोडक्ट्स में देखोगे। इस पूरी रेंज में और हमारी पूरी मैनेजमेंट में हमने एक चीज को कोर रखा है, दैट इज प्रोफेशनलिज्म एंड इंटेग्रिटी। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से, बहुत ही एक क्लासिक मैनेजमेंट मॉड्यूल्स को यूज करके आपके सामने कंपनी की पूरी वर्किंग्स प्रोसीड करने जा रहे हैं। आई विश आई वॉज देयर, मैं आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता, आपसे बातचीत कर पाता। आज ये हिस्टोरिक डे पे हम कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं एंड आई एम रियली प्राउड आप सब वहां फैक्ट्री के पास मौजूद हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू एस्टोनिया टू। सो थैंक यू सो मच। प्रदीप सर ने भी जिम्मेवारी उठाई है, जो कि ये बहुत टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि आप स्टेज से नहीं सुनते थे पहले, पब्लिक रिलेशन और फाइनेंस। तो मैं भी चाहूंगा कि सर एक मैसेज देंगे, वेलकम मैसेज देंगे आप लोगों को। प्रदीप जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आज श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन पे हम यहाँ इकट्ठे हुए, उन सबके लिए मैं आप सबको बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद आज सेम डे ही हमने, जिस दिन प्रभु श्री राम का आज ये दिन है, बड़ा शुभ दिन है, हमने अपनी कंपनी का एक फाउंडेशन डे रखा है। और फाउंडेशन डे रखने का सिर्फ यही रीज़न नहीं था, इसके बड़े पीछे सिंपल से रीज़न है, क्योंकि जिस तरीके से हम इस कंपनी को लेके चल रहे हैं, हम इसको बड़े इमोशनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से लेके आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ बैठे हर एक लीडर की, हर एक फैमिली मेंबर की, इसमें एक एक चीज़ को, पूरे इमोशन को भी समझा जाएगा और प्रोफेशनली तरीके से आपके सामने ये कंपनी, हम कोशिश करेंगे कि शायद सबसे बेहतर कंपनी बन के आगे आए, तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो दूसरा मैसेज सिर्फ मैं यही देना चाहूँगा कि जिस भी तरह के आजकल वो चल रहे हैं, मार्केट में भी कोई बातें चल रही हैं, किसी चीज़ की तरफ ना हमने कोई कभी ध्यान देना ना देखना, सिर्फ अपने काम पे फोकस करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। और जिस तरह ये एक मैसेज और चल रहा है कि कोई हमारी फिरकी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का आज तक इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सारे मैसेज आपके मैक्सिमम परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी लीगल कार्रवाई थी, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में आपको विक्रांत जी बता पाएंगे। और आप सब लोगों का मैं बड़े तहे दिल से इस फैमिली में इनवाइट करता हूँ। और आज अगर यहाँ स्टेज के ऊपर हम आपके सामने एज ए डायरेक्टर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खड़े हैं, तो उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि जैसे विक्रांत जी ने बताया कि डीके जी की वजह से ही आज वो यहाँ है। तो मेरे गुरु नहीं, मैं बड़े भाई मानता हूँ, मेरे को भी 20 साल पहले वही इस इंडस्ट्री में लेके आए थे, आज जिस वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं बस 5 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री विजिट भी करना है, तो वन बाई वन हमारे फैमिली के दूसरे मेंबर से भी रूबरू करवाना चाहता हूँ। हुड्डा साहब जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ स्टेज पे। जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये भी पेरेंट्स की तरह ही हमारे साथ डे फर्स्ट से ही 7 साल पिछले सिस्टम को बिल्ड किया और इस सिस्टम को भी बिल्ड करने के लिए डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं। नैया साहब को भी मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसे हुड्डा साहब हमारे साथ थे, ये आशीष जी के भी ऐसे ही प्रिय हैं, फैमिली मेंबर की तरह, तो सर के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। यहाँ पे और हमारे फैमिली मेंबर हैं, मिस्टर रविंदर जी, उनको भी मैं चाहूंगा स्टेज पे आए। और रविंदर जी के साथ साथ एक फैमिली मेंबर और हैं हमारे,
यानी कि सबसे बड़ी फाउंडेशन पहले किसी भी प्रोडक्ट से लेके कंपनी की एक डिजाइनर रखता है। सो विवेक सारंग जी को भी मैं बुलाना चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने। विवेक जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं बोल रहा हूँ ओनली नाम बदला है, फैमिली वही है। सो हम सब लोग मिलके इस मिशन में साथ खड़े हैं और इस मिशन को प्रोफेशनली आगे लेके जाने वाले हैं। पिछले प्रोजेक्ट में जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं तो छोटा या बड़ा मान के, भाई मान के, दोस्त मान के, प्रोफेशनली मान के आप लोगों से क्षमा भी मांगेंगे और इस प्रोजेक्ट में सारी गलती सुधार के हम एक बहुत अच्छी कंपनी की नींव डालेंगे जो कि इंडिया से लेके ग्लोबल तक छाने वाली है। सो प्लीज टेक योर सीट्स। अब मैं दूसरे पार्ट से भी मिलवाना चाहता हूं जो फैमिली का पार्ट ही रहे हैं। सो सबसे पहले इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर अखिलेश सिंह जी को, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा सोनू मैडम को, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सोनू जी मनोज जी को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मनोज जी कम प्लीज कम ऑन द स्टेज। नॉर्थ ईस्ट से चल के आए हुए एक कपल में बिजनेस करते हैं डीजे कश्यप जी एंड रश्मिता जी को भी मैं इनवाइट करना चाहता हूं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। खंडेलवाल जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। खंडेलवाल जी एंड विदा खंडेलवाल जी दोनों प्लीज कम ऑन द स्टेज। अखिलेश जी बोल रहे हैं स्टेज छोटा पड़ेगा, मुझे लगता है कि कितना भी बड़ा बना ले तो वो छोटा ही पड़ना था, राइट? देहरादून से बिलोंग करते हैं दीपक रावत जी, मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपक जी। थोड़ा सा पीछे से क्लियर कर दीजिए, कैमरामैन को थोड़ी सी जगह दीजिए प्लीज। मनीष शर्मा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। विवेक जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। दीपा एंड प्रतीक जी का भी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आदित्य कौल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। इंद्रजीत कदम जी को भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और कितने ऐसे हैं जो यहां सुपर हीरो प्रेजेंट है? सुपर हीरो कितने प्रेजेंट है? सुपर हीरो सारे आगे, हीरो यस प्लीज, सारे हीरो प्लीज 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 प्लीज। रिक्वेस्ट है, वैसे तो आप दिलों में हैं पर यहां पे स्टेज छोटा पड़ रहा है, प्लीज डोंट माइंड, अगली बार आपको सबसे ऊपर वाली चेयर पे बिठाएंगे जी। जो 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 हीरो की कैटेगरी में आते हैं, एमर्जिंग हीरो प्लीज कम, प्लीज कम। अरे वहां से तो बनाते रहना, कम फॉरवर्ड प्लीज, कम फॉरवर्ड लाओ। आग्रह करूंगा कि हमारा कंपनी का ओरिएंटेशन कैटलॉग एक बार हीरो एंड
हमारे अमरजिंग हीरोज को से लेके ऊपर की लॉबी तक एक बार एक कैटलॉग दे आप लोगों को भी मिलेगा। बस इसके एक लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसमें आपको कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, आपका प्लान एंड आपकी एकेडमी, ये सारी चीजें इस कैटलॉग में है। ये हम प्री लॉन्चिंग तक यूज करेंगे। कब तक यूज करेंगे? प्री लॉन्चिंग में आपको वो सारे टूल्स मिलने वाले हैं, पर ये डे फर्स्ट से है कि आपको क्या मिल रहा है, ओरिएंटेशन कैटलॉग, राइट। आप लोगों को ये बुकलेट की कॉपी हॉल से जब आप निकलेंगे एक वन बाय वन आप लेते जाएंगे, वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप सभी के लिए ये कॉपी अवेलेबल है, राइट। और मैं चाहूंगा कि एक बार बुकेस लेके आए कि हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं उनका हम स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हम आपके पास आते हैं तो आप ही ऐसे स्वागत करते हैं, राइट। तो सभी का सम्मान करते हैं इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और इतने बुके इकट्ठे नहीं रख सकते थे, पर आपके लिए मान के चलेंगे आपके ही बुके हैं, तो आप हमारे दिलों में हैं। सभी से मैं 10-10 सेकंड का बाइट लूंगा, 10 सेकंड का, कोई मीटिंग कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है, एक्साइटमेंट शेयर करना है। हेलो, एक्साइटमेंट शेयर करना है, आपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना, ना नाम बताना है, 10 सेकंड का मौका मिलेगा, आप कितने एक्साइटेड हैं। यह सबसे पहले मैं इंद्रजीत कदम जी से शुरुआत करने वाला हूँ, माइक भी दूंगा। बोल साहब कैसे? ये वन है हम, हजार कदम आगे हैं हम। जी दीपक जी, वी आर विद द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, थैंक यू जी। प्रत्येक जी, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। जी दीपक जी, आर यू एक्साइटेड? मनोज जी, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। जी मनीष जी, मैं दो शब्द ज्यादा बोलूंगा सर, नेटवर्कर इसको कहते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जिम कॉर्बेट में एक सेशन हुआ था और मेरा कॉन्फिडेंस डीके सहारन सर को सुनने के बाद सातवें आसमान पे था कि यार उसने 70वें आसमान पे है। जीवन का सबसे बड़ा करने वाला आप इस जीवन का सबसे बड़ा करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस एवन। जी रश्मिता जी, रश्मिता जी नॉर्थ ईस्ट से है तो वहाँ की बोली थोड़ी सी स्वीट टोन में रहती है, आप एक्साइटमेंट होके वो स्वीट टोन के ऊपर कर सकते हैं। जी माइक हाथ में नहीं मिलेगा।
जी कश्यप साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? We are united. जी विवेक जी महाराष्ट्र से क्या बोलने वाले? माइक मिलेगा हालांकि मैं आपने बोलूंगा हिम्मत बुलंद किसकी है पस्त कौन है अब ये वक्त बताएगा जबरदस्त कौन है। जी मेहरबान जी सर मैं बात करना चाहता हूँ कि 22 सितंबर को जिम कॉर्बेट में ओके लाइफ को ज्वाइन किया था और आज 22 तारीख को मैं एस्टोनिया को पूरे दिल के साथ परिवार के साथ मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम सब एवन है मेरा एक्साइटमेंट सिर्फ इस चीज को लेकर ज्यादा है जो चेक मैंने बनाया था मेरा हाईएस्ट चेक था 22 लाख आप लोगों को याद है ये चेक अब आप लोगों का बनेगा बस इसलिए एक्साइटेड हूँ दोस्तों बस ये बोलना चाहूंगा कि चार लोगों के साथ हमने ओके लाइफ स्टार्ट किया था तो पूरे इंडिया का टाइम रिकॉर्ड ब्रेक थे और आज 10,000 ज्वाइनिंग हो चुकी है तभी स्टार्ट कर रहे इस बार चार लोग नहीं है 10,000 लोग शुरू होने जा रहा है इतना बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है थैंक यू सो मच प्लीज टेक योर सीट्स आज माइक का मौका नहीं मिलने वाला बिकॉज टाइम फिनिश होने वाला है मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ विवेक जी एंड रविंद्र जी को प्लीज एक चेयर पे ये जो भी निकलते जाए कहाँ मेरा फोन यस अभी जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि हमारी बिलिंग भी ओपन नहीं हुई है इवन हमारी प्राइस लिस्ट नहीं आई है और ज्वाइनिंग कितनी लग चुकी है 10,000 A1 फैमिली के मेंबर बन चुके हैं हेलो ये हमारी फैमिली 10,000 प्लस हो चुकी है और मुझे पक्का यकीन है और मैं वो दिन भी याद कर रहा हूँ वो मुझे दिन याद है जब वो 2016 में पहले वाले सिस्टम की हमने शुरुआत की एक साल में 8,000 हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं फैमिली का नंबर बना था और यहाँ पे नाम लेते उड़ गए वो 22 तारीख को आपके हाथ में लिस्ट नहीं है प्रोडक्ट की और आदमी कितने ये हमारी मेहनत और आपका ट्रस्ट बोलता है 609 और इस ट्रस्ट और इस मेहनत को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इस प्रोजेक्ट में और यही उम्मीद मैं आप लोगों के साथ एज ए परिवार करना चाहता हूं राइट अभी हम फैक्ट्री में जाएंगे फैक्ट्री में जाके जिन्होंने विजिट नहीं दोस्तों की है, देख सकते हैं ग्रुप वाइज हम विजिट यहां पे खड़े होने की भी जगह नहीं है लोग खड़े देखिए अभी तो अभी सिर्फ ज्वाइनिंग्स लगी हैं और अभी शुरू नहीं हुआ है बिजनेस आज से बिजनेस शुरू होगा और अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था बहुत कम लोगों को बुलाया था अभी बहुत सारे लोग आने बाकी जो हम फरवरी में बहुत बड़ा इवेंट ताल कटोरा स्टेडियम में करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे खड़े होने की जगह पहले है सब बहुत सारे लोग खड़े हैं उनको सीट नहीं मिला है पहले राइट और अभी हम दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर है तो वी आर वन वी आर यूनाइटेड हम बहुत बड़ा करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़े हमारे परिवार के साथ जुड़े हमारी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़े और बहुत बड़ा हम क्योंकि हमारे बहुत बड़ा हम लोग करने वाले हैं इस साल 2024 चीजों को मिशन 2024 को लेके हम काम करने वाले हैं बहुत सारे लोगों को हम उनके सपनों तक पहुंचाने वाले हैं उनके ड्रीम्स तक पहुंचाने वाले हैं देख सकते हैं आप क्या करेंगे ठीक करके एक परफेक्ट बनाएंगे क्योंकि मैं मेरा एक फेवरेट हमेशा फेवरेट डायलॉग मैं बोलता हूँ कि नोबडी इज बोर्न विद शूज जूते पहन के कोई पैदा नहीं होता
और इंसान गलतियों का क्या है, और हम यदि एक दूसरे की तो आइए जुड़िए हमारी साथ स्टूडियो वन के साथ और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बिजनेस को लेके जाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सपोर्ट मिलेगा, हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, जो हमने पहले पहुंचने के लिए मेहनत की उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। थैंक यू सभी लोगों के सपने के सपनों को पूरा करने वाले हैं, देख सकते हैं आप। एज ए मैनेजमेंट हम सब लोग मिलकर एज ए परिवार इस कंपनी को एथिक्स के साथ, सच्चाई के साथ, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ाएंगे, ये मैं वचन लेता हूँ स्टेज से पहले दिन से ही सब लोगों के समक्ष लेता हूँ। जबरदस्त। सो जिसने जिसका यदि लंच बाकी है तो आप लंच भी ले सकते हैं, बस आज के लिए इतना ही चाहूंगा। और हम प्री लॉन्चिंग आप क्या कहने वाले मैम? इतना ही कहूंगी कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं तो ये आपका बेहतर चुनाव हो सकता है, विश्वास करिए और जुड़िए। जो है मैम अभी बिलिंग शुरू नहीं हुआ, बिलिंग शुरू नहीं हुआ है और आप देख सकते लोग खड़े हैं। यस यस, बैठने की जगह नहीं है। चंडीगढ़ में करें या दिल्ली में? अभी अभी उसके बाद बिहार फरवरी में बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, आइए मिलकर इसको ज्वाइन कीजिए और समझिए कि कैसे आपकी लाइफ को एवन बना सकता है। यस थैंक यू मैम। दीपा मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? हम दो दिन में लेने वाले हैं, देखा इतने लोग नहीं ले पाए तो दो तीन लोग तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए दो या तीन दिन हमें चाहिए और लीडर्स के साथ डिस्कस करके प्लान ही होना शुरू हुआ है। अभी तो आईडी लगनी शुरू हुई है, अभी आईडिया ही लग रही है। दिल्ली से करेंगे या चंडीगढ़ से करेंगे, सोचो प्लान आने से पहले आईडी लगनी शुरू हो गई थी, हम शेयर कर देंगे। और रिकॉर्ड ब्रेक हुआ 10,000 आईडी का भी होगा, हम कैटलॉग भी करने वाले हैं और हम बहुत सारे, मुझे लगता है आज 10,000 की बात हो रही है और इस बार हम लाख लोगों का एक परिवार भी होगा। आप भी करना चाहते हैं और यही कमिटमेंट मैं चाहता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में कि आप इस परिवार को अगले एक महीने में मिशन 1,00,000 का लेके चले। आप कुछ कहना चाहते हैं कांसर? प्रोडक्ट आते हैं 1,00,000, आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान आपको लाइव देख रहा है, पूरा इंडिया आपको लाइव देख रहा है, कहना चाहते हैं? यहाँ पे जगह नहीं है, देखिए बिल्कुल लोग खड़े हैं, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ओके थैंक यू सो मच। अभी कंपनी की स्टार्टिंग में भी उसके बाद भी देख रहे हैं कितना एक्साइटमेंट है और जिनके पास व्हीकल नहीं है कम पड़ रहा है और लोगों को जगह नहीं मिली है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। वन बाय वन एक रो से बड़ा होने वाला है, धीरे धीरे लाने वाले हैं प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। और लीडरशिप A1 है और हम सब A1 है, आप भी A1 है। यस थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप लोग जरूर कनेक्ट करें हमसे, राइट। मैं अपना नंबर आपको आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमारी किसी भी टीम में किसी भी लीडर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, आप टीम मेंटर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं, राइट। हम सब आपके साथ हैं, मिलकर हम काम करेंगे। और सर का भी एक मैसेज ले लेते हैं, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जिसके फेसबुक लाइव पे इस मैसेज को देख रहे हैं, वो व्यक्ति, उसकी इंटायर टीम और उसकी इंटायर टीम में जितने भी उसके सुपर सीनियर्स हैं, वो सब मिला करके आपको अगले 6 महीने में 1,00,000 के पे आउट से प्लस ले जाने वाले हैं। यस यस यस। तो आज आपको माहौल कैसा लगा? मैं तो देख रहा हूँ हमने ज्यादा लोगों को बुलाया ही नहीं, मतलब हमने बहुत सारे लोगों को मना कर दिया कि ठंड की वजह से, और हम फरवरी में इससे बड़ा इवेंट करने वाले हैं। तो बुलाने के बाद भी यहाँ पे मतलब सीट नहीं थी सर, आई थिंक मतलब लोगों को जगह नहीं मिला। तो इवन मैं खड़ा हुआ था। यस यस, तो मुझे लगता है शायद अभी तक का सबसे बेस्ट यस ओपनिंग इवेंट अगर मैं बोलूंगा, विद द ह्यूज क्राउड जहाँ पे अभी तक मात्र और बिना प्रमोशन 1,000 IDs लग यस और विदाउट प्रमोशन। ये मैं आपको डेटा कल तक का बता रहा हूँ, अगर आज से गिनती चालू करूंगा तो हो सकता है शायद ये डेटा 15-20 हज़ार से प्लस पहुंच चुका होगा। यस यस यस। और वी आर द वेरी फर्स्ट कंपनी जिसमें प्रोडक्ट आने तक कम से कम 1,00,000 लोग हो जाए। यस यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा मैसेज रहा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आईडी लग रही है और आप अगर लेट हो गए ना तो आप फाउंडर लीडर नहीं बन पाएंगे। आईडीज लग रही है, आप संपर्क करिए, जुड़िए हमारे साथ, बहुत बड़ा काम हम करेंगे। एक मैसेज हम लेना चाहते हैं इंद्रजीत सर का, हमारे सुपर हीरो, हमारे टीम के सुपर हीरो, राइट। पूरा इंडिया आपको देख रहा है सर, और आप कुछ कहना चाहते हैं? मतलब आज सीट भी नहीं मिली लोगों को और बहुत सारे लोग तो अभी ट्रेन में भी हैं, वो आ रहे हैं रास्ते में है, राइट। तो हमने बिना प्रमोशन के इतना बड़ा इवेंट हमने आज कर दिया, लेकिन हम फरवरी में
मुझे लगता है ताल कटोरा भी छोटा पड़ने वाला है सर, क्योंकि अब तक प्रोडक्ट भी नहीं मिले हाथ में और 10,000 लोगों की आईडी लग चुकी है, जो जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसी कंपनी है प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही 10,000 लोगों के साथ काम कर रही है और आज लिटरली आज बैठे आईडी भी एक दो दिन से लगनी शुरू हुई है, दिन में 10,000 क्रॉस हो गए। अभी ये कल की बात है, अभी भी 10-15, 12-15 हज़ार रुपये आईडी लगनी होगी। अब मुझे लगता है 15 दिन में 1,00,000 क्रॉस हो जाएगा। यस यस यस। तो आपका आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पुरानी कंपनी में आपने रिकॉर्ड तोड़े, आप कंपनी के सुपर हीरो थे और महाराष्ट्र में आपने बहुत बड़ा नाम बनाया है, तो इस बार महाराष्ट्र के लिए आप क्या करने वाले हैं? इस बार सर महाराष्ट्र में तो मैं जब पहली बार आया था, जब उस कंपनी में था पहले कंपनी में, तो 2-3 लोगों के साथ आया था, लेकिन अभी मैं तकरीबन 350 लोगों के साथ एंट्री कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप है वो महाराष्ट्र से 350। ऑल ओवर इंडिया में पकड़ो तो 2-2.5 हज़ार लोग है। यस यस, बहुत बड़ी टीम के साथ हम एंट्री कर चुके हैं और बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा। यस यस, आप अपनी टीम के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं? यस, मैं टीम को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जो अब तक आपने जो किया है वो सब मतलब ट्रायल था, अभी तो जो हम बोलते हैं कि जो पैसा है या जो भी आपकी ड्रीम है वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। सो थैंक्स डीके सर का, थैंक्स विक्रांत सर का, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत बड़ा माहौल है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं टूट टूट के, तो आप लोग आइए। एक और मैं आपको शानदार लीडर से मिलवाना चाहता हूँ, राइट, एक और लीडर को मैं मिलवाना चाहता हूँ, यहाँ पे वो आ रहे हैं, राइट, हमारे टीम के ओएलसी हीरो यशवंत यादव जी, जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में तहलका मचाया पुरानी कंपनी के अंदर, और इनका लेवल था ओएलसी हीरो, राइट, लगभग कितना नेटवर्क सर? 6,000 के आसपास, 6,000 लोगों का नेटवर्क लगभग 1.5-2 साल में इन्होंने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, और इनका सबसे बड़ा जो टीम था वो यूपी और बिहार में था और महाराष्ट्र में भी डेवलप हो रहा था, तो सर आप अपनी टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और आज आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई में जो आज हम जो भरोसा से हम टिके हुए थे लास्ट 2 महीने से कि नहीं जब ये कंपनी का स्टार्टअप होगा तभी हम काम करेंगे, वो आज जाके वो बिलीव और 10 गुना बढ़ गया। और आज मैं आज बात करता हूँ जो हमने कभी जब हम आए थे यहाँ पे, जब पहली बार हम ओके लाइव के जब शुरुआत किया था पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, तो मात्र 3 से 4 लोगों के साथ में हमने शुरू करी थी। आज पूरे मैं आपसे बात, अब तक कम से कम 700 से 800 लोग स्टार्टअप हो चुके हैं हमारे टीम, और अभी तो शायद 2 दिन ही हुए हैं ज्वाइनिंग। हाँ जी जी, अभी मात्र अभी 2 दिन ही हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं और आगे बहुत बड़े लेवल पे काम होना है। लगभग मेरे को लगता है प्रोडक्ट जब तक मिलेगा तब तक हजारों की टीम, जितनी हमने 6,000 की टीम हमने 3 साल में बनाई थी, वो 3 महीने में, वो 2-3 महीने में बनने वाली है। और पहले दिन से जो हमने 10वें महीने जाके 1,00,000 रुपया कमाया, महीने को चेक को ब्रेक किया, वो हमारा हो सकता है पहले महीने से ही। यस यस, क्योंकि प्लान बहुत इजी है, बिल्कुल, और प्रोडक्ट बहुत डुप्लीकेबल है, बहुत शानदार से पूरे ऑल ओवर। और अभी प्री लॉन्च पहली बार फर्स्ट विजिट में लगभग 50 लोगों के साथ में टीम में है। और आपने प्रमोशन सर किया नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन रोक के मेन में फरवरी में हम लोग, राइट, ये हमारा फरवरी में बहुत बहुत स्वागत है जो भी देख रहे हैं। और फरवरी में मुझे लग रहा है ताल कटोरा छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्री लॉन्चिंग में सभी लोग अपने टीम के साथ में आके देखे कि किस तरीके से मतलब कितने बड़े लेवल पे काम शुरुआत हुआ। यस 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 यस, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और हमारे बीच में एक और लीडर हैं जो साइलेंट किलर हैं, साइलेंट तरीके से काम करते हैं, राइट, और बहुत अच्छा काम करते हैं। पहले ही महीने उन्होंने 1,00,000 बीवी की मैचिंग कर दिया था और पहले ही दिन उन्होंने स्टोर ओपन किया था अपनी टीम से। तो सर कोई मैसेज देना चाहते हैं, आज आपको क्या भरोसा लगा? भरोसा ये लगा सर, आज का जो हमने माहौल देखा, अभी हम लोग फैक्ट्री विजिट करने वाले हैं और एस्टोनिया 1 जो कि आप कहते हैं A1, ये वाकई में ही एक इतिहास रचने वाली कंपनी है और बहुत जबरदस्त होगा, जिस तरह से प्लानिंग करने वाली आपने बताई है। तो इस कंपनी के साथ आप जुड़ के, जी इस कंपनी के साथ में जुड़ के जो लोग अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाए, इस कंपनी के साथ में जुड़ के अपने सारे ड्रीमों को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग जितने भी ऑल ओवर इंडिया से सर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सर के साथ में हमारे साथ में कनेक्ट कीजिए और अपने सपनों को एक बार फिर जिंदा करके उसको पूरा करेंगे। सर मैं एक मैसेज पूछना चाहता हूँ, आपने आज आशीष गुलाटी जी को देखा होगा, आपको उनका मैसेज कैसा लगा? आपको कुछ आपको कैसा प्रोफेशनलिज्म लगा? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल लगा। और आशीष सर जी बताते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी आज उन्होंने एक नेटवर्क कंपनी के साथ में शुरुआत की है, तो
विश्वास मानिए को उन्होंने जैसे कहा है कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस कंपनी को लेके जाने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली दोस्तों ये कंपनी। yes. मैं तो कहना चाहूंगा जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक सफलता हासिल नहीं की, जो लोग आज एक अच्छी दिशा में ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, तो एस्टोनिया वन उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। दोस्तों आइए, ज्यादा देर ना करते हुए एस्टोनिया वन के अंदर में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखा सर आपने, थैंक यू सर। तो देखा दोस्त आपने, एक और हमारे ग्रेट लीडर हैं बिहार से, जो बिहार से चल कर आए हैं, और इनको मना करा था कि 50 लोगों को लेके नहीं आना है, लेकिन ये माने नहीं और काफ़ी लोगों को लेकर आए हैं बिहार से, क्योंकि मैं फरवरी की पूरी तैयारी में था और फरवरी में चाहता था। अब मुझे लग रहा था त्यागराज भी छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल सर, है ना। तो कुछ कहना चाहते हैं सर आप बिहार से, और मैं इनके बारे में बताऊँ, राजेश सर के बारे में, बहुत जीरो से इंटरनेशनल कंपनी में उन्होंने काम किया है, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेवल इनका था, वहाँ पे भी हजारों लोगों का टीम था, और दिल से इन्होंने काम किया है, राइट। और आज आप क्या मैसेज दें, आज आपका क्या भरोसा है सर इस कंपनी को लेकर, और आज आपको कैसा लगा, कैसा कुछ भरोसा आया आपको? बिल्कुल राइट सर, नमस्कार सर, मैं सेल्फ राजेश कुमार मौर्य फ्रॉम बिहार से, भावना से है। और सर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आज हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और हमारे लिए आज सभी लोग के लिए है, और हम अपनी टीम के साथ सर मैं बताऊं कि लगभग हमारे लगभग 50 लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं पूरे इंडिया से कर लिया जाए तो सर प्रमोशन नहीं हुआ, नहीं तो 150 आते। बिल्कुल राइट सर, तैयारी जब बहुत सारे लोगों को तो आप लोग के आदेश के अनुसार मैंने रोक दिया कि नहीं जाना है, नहीं तो बहुत काफी लोग आए होते सर, क्योंकि हम फरवरी में बड़ा इवेंट करने वाले हैं। हमारे डॉक्टर साहब आए हैं। यस यस, डॉक्टर साहब हैं जी। यस यस जी सर, आप थोड़ा सा पहले मैसेज दे दीजिए। ये हमारे डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, जहानाबाद से हैं, और ये हमारे पटना जिला से, और बहुत अच्छा इन्होंने नेटवर्क कर रखे हैं अदर कंपनी में, और आज हमारे साथ स्टार्ट किए हैं सर। बोलिए जी। जी सर, कुछ मैसेज देना, आज आपको कैसा लगा सर यहाँ पे? बढ़िया लगा सर, मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, मेरा नाम राम विरोध मेहता है, मैं पटना जिला के मसौड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और सर एस्टोनिया जो भी बिजनेस का जो उद्घाटन है या जो भी स्थापना दिवस किया गया है ना, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ये पूरे भारत के बहुत से राज्यों से लोग अच्छे से लीडर आए थे और अच्छे अर्नर आए थे, बहुत देखकर बहुत अच्छा लगा। एक जो है, एक मैं भी एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बिजनेस को मैं अपने दिल से लेकर करूंगा। तो अगले 6 महीने में सर रिकॉर्ड बनाना है। बिल्कुल सर, बिहार में बनेगा सर, और बिहार में आपका डंका बजना चाहिए। बिल्कुल सर, एकदम बजेगा सर, और ये आप ये बिल्कुल एक बिहारी शॉप पे भारी होना चाहिए। एकदम सही कहावत है सर, और एक बिहारी शॉप पर भारी होगा ही होगा। यस यस, और एक चीज और कहना चाहेंगे सर, जो भी हमारे साथ अगर बिहार से है वो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दौर सर शुरू हो चुका है पिछले 1 महीना से। यस, और मैं बोलना चाहूंगा सर, अगर बिहार पटना या भभुआ या बनारस या यूपी में गया या आप बलिया, आप कहीं से भी हैं बिहार में, तो सर से जरूर कांटेक्ट करें। राजेश मौर्य जी, मैं जरूर इनका प्रोफाइल, आप फेसबुक में जाएंगे, राजेश मौर्य जी हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं, और ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम के जबरदस्त लीडर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दोस्त, मैं यही बात लास्ट में मैसेज देना चाहूँगा, लेट नहीं हुआ है दोस्त, आज से शुरुआत करिए और दिल से काम करिए। अगले 6 महीने एस्टोनिया वन और एस्टोनिया वन के सभी लीडर्स रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले इवेंट त्यागराज में हमारा होने वाला है 10,000 लोगों के साथ, हम इसकी तैयारी करने वाले हैं अगले महीने की। थैंक यू सो मच।